नगर की इंगोरिया रोड स्थित सड़क निर्माण कार्य में हो रही लेट लतीफी के चलते राहगीरों को आवागमन में आ रही परेशानी को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने चल रहे सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसी दौरान विधायक ने निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर सड़क ठेकेदार को फटकार भी लगाई। किसी भी हालत में अगर ये रोड दो दिन तक मुझे मोटर पर नहीं मिली है तो काम नहीं करना तुम्हारा। ये जो रोड है यहाँ तक इसको पूरी को डाल के और पूरा रोलिंग होगा इसके अंदर। सर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कितने दिन से रोड खराब है, लोग पूरा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मतलब आज मेरे बोलने के बाद चालू है ना, अभी काम कैसे चालू हुआ जब मैंने सुबह बोला। जब मतलब ये जब तक आपकी रोड बने, आप खाचो रतलाम रोड के देख क्या निकल लेते ना, खाचो रतलाम रोड उसमें विद इन 1 सेकंड भी ट्रैफिक नहीं रुकने दिया, विद इन 1 सेकंड। मतलब ये रोड जो है, ये रोड मुझे बिल्कुल चालू कंडीशन में चाहिए, एनी हाउ कंडीशन। बल्कि साला कितना लगेगा, 1-2 लाख-3 लाख यार। आज 20-30 करोड़ की रोड है हमारी और साला हम रोड की आपको रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा ना, पब्लिक निकलेगी कहाँ से। अब मान लो उधर काम चला तो इधर एक ऐसी रोड बना दो ताकि पब्लिक आराम से निकल जाए। हॉस्पिटल वाला भी बहुत समस्या, वो लोग काफी लिख लिख के दे चुके हमको भी भाई साहब। बीमा अस्पताल जो जाने का रास्ता उसको सही कर दो, देखो वो रोड है इसलिए नहीं रुक सकती है कि ये मेरे शहर की मेन रोड है यार, उसको चालू कर दो ना तो उधर पे हो जाएगा। आप ये सोचो, खाचो रतलाम रोड एक मुख्य सड़क है और उस आदमी ने 3 महीने में 13 किलोमीटर रोड बना दिए, 3 महीने में 13 किलोमीटर और बरसात के सीजन में, और तुमसे साला 1.5 किलोमीटर रोड नहीं बन रही है यार। हमारी 12 बजे के रखती इस रोड ने, समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को। देखो मैं है ना आपको फिर कह रहा हूँ और सेठ को भी कह देना, अब पछताओगे अगर अगर तुमने इस काम का मूवमेंट ठीक नहीं करा है। कहा दुबे जी कहा है, भदोजी ने CRF फंड से ये रोड स्वीकृत कराई थी, वास्तव में काफी लेट हो रही है। आज सुबह ही मैंने ठेकेदार को भी और अधिकारियों को कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में कि ये रोड का काम जल्दी चालू हो आज, क्योंकि वो पहले रोड जुगाड़ से बनाना चाह रहा था और मैंने कहा विदाउट मशीनरी कि मैं अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि गुणवत्ता में नहीं आती। आज वो सेंसर लेके निकले, आज मेरे को उन्होंने प्रॉमिस करा कि 4 बजे हम काम चालू कर देंगे, लेकिन एक जिद मेरी और थी अगर वो रोड जब तक नहीं बनेगी, जब तक ये रोड बिल्कुल मोटरेबल होगी, जनता को मैं किसी कीमत पे परेशान नहीं होने दूंगा। SDO को कहा खुद खड़ा रहेगा रोड को पूरे रोलिंग करके और ठीक से रोड हो, समय समय पे भी पानी छिड़क कर इस पे रोलिंग होती रहे ताकि कम से कम लोगों का आवागमन का साधन, क्योंकि ये शहर में अंदर आने के लिए एक प्रमुख सड़क है इस शहर की। और आज मुझे आश्वासन दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर शाम तक इस रोड को भी ठीक करूँगा और 4 बजे लगभग उस रोड को काम भी चालू करेंगे, तो 4 बजे आके इसको देखा।